जिन सूरतों में नमाज तोड़ने का हुक्म है तो क्या उसमें इसी तरह नमाज तोड़ दें या फिर सलाम फेरने के बाद नमाज तोड़ेंगे? जैसे नमाज में बहुत सारे वीडियो और मसाइल ऐसा सुनते हैं कि नमाज तोड़ दिए अपनी जान बचाने के लिए या दूसरे की जान बचाने के लिए, या फिर ऐसी टॉयलेट वगैरह या भूख का गलबा हो या ऐसी कोई मामला शिद्दत के साथ पैखाना हो तो उसमें नमाज तोड़ने का हुक्म होता है। तो नमाज तोड़ने के लिए आपको कायदे में बैठना ज़रूरी नहीं है और ना ही अत्तहियात वगैरह करके सारे मामला करना ज़रूरी है। नमाज खड़े खड़े भी तोड़ी जा सकती है, और उसको तोड़ने का तरीका कि नमाज खड़े होकर ही बंदा सलाम फेर दे, इस तरह वो नमाज से बाहर हो जाएगा। बाकी अगर नमाज इस तरह से टूटी कि अचानक कोई ऐसा मामला हुआ कि घबराहट में नियत ही तोड़ दी तो भी नमाज बहरहाल टूट ही जाएगी, लेकिन अगर अपने फेल से नमाज से बाहर जाना चाहता है, अपने इरादे के साथ नमाज से बाहर जाना चाहता है, तो खड़े होकर भी एक तरफ सलाम फेर दे और उसके बाद नमाज से वो बाहर हो जाएगा। अब अपनी कजा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें kazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कजा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।